2000 आप वापस आ गई। आपके बिना घर और भी सुना हो गया था। वैसे आपने बताया नहीं, हरिद्वार में सब कैसा था? अच्छा था पुत्र, कम से कम मन की शांति तो थी। आइए पंडित जी। नमस्कार। आप ही की राह देख रहा था मैं। घर में पूजा रखवाइए। पंडित जी आप जाइए, तैयारियां शुरू कीजिए। जी पूजा नहीं मां, श्राद्ध। गौरी का श्राद्ध। ये तो क्या बोल रहा है तेज? मिस्टर ओब्रॉय, मैं मानता हूं गौरी से गलती हुई है, लेकिन गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन बार बार नहीं होती। मम, आप चुप क्यों बैठी? कुछ समझाइए ना इन्हें, गौरी इस घर की बहू है। ये बात गौरी को याद रखना चाहिए कि वो इस घर की बहू है। तेज तो पागल हो गया है। अरे जिंदा लोगों का कोई श्राद्ध करते है क्या? अकल का खाना खाली हो गया तेरा। गौरी मेरे लिए मर चुकी है माँ, और मरे हुए लोगों का श्राद्ध किया जाता है। ओ, ये बिल्कुल पागल हो गया है। तो कुछ बोल। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इस घर में श्राद्ध होकर ही रहेगा। गौरी का नहीं तो फिर मेरा। Choice is yours. मिस्टर ओब्रॉय, देखिए, शांत रहिए। अगर आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंघानिया के साथ डील नहीं हो पाई, तो इसमें गौरी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। शिवाय के जाने के बाद मैं बिजनेस संभाल नहीं पाया, तो अगर आपको श्राद्ध करना ही है तो मेरा कीजिए, क्योंकि गौरी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अब देख क्या रहे हैं पंडित जी, शुरू कीजिए। देखिए जजमान, मुझे माफ कीजिएगा, किसी भी जीवित व्यक्ति का श्राद्ध करना घोर पाप होता है, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। राम राम। पुत्र फिक्र मत कर, मैं बात करूंगी तेज से, मैं समझाऊंगी उसे। तेज, राम नाम सत्य है। मिस्टर ओब्रॉय, राम नाम सत्य है। क्या कर रहे हैं आप? राम नाम सत्य है। पागल हो गया तेज। सत्य है, राम नाम सत्य है। मिस्टर ओब्रॉय, राम नाम सत्य है। मिस्टर ओब्रॉय, राम नाम सत्य है। मिस्टर ओब्रॉय, इसे स्टॉप। राम नाम सत्य है। आज से गौरी मेरे लिए मर चुकी है। अब वो ना ही इस घर की बहू है और ना ही तुम्हारी बीवी। क्या कर रहा है तू? मैं जानता हूं अभी मुझे कार्ब्स नहीं खानी चाहिए, पर मुझे अभी कार्ब भी प्रोटीन जैसा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूं, आई मीन लव यार, पता ही आपको। ऐसा नहीं होता है, मैंने एक्चुअली इस पे ऑर्गेनिक पीनट बटर लगाया, तो कुछ नहीं होगा। मैं टोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो किसकी बात? तेरी बात कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया? तूने फ्लाइट की टिकट बुक की है या नहीं? कौन सी फ्लाइट? मुंबई की है, और किसकी है? मुंबई कौन जा रहा है? रूडी तू जा रहा है, और कौन जा सकता है? मैं क्यों जाऊंगा? शादी किसकी हो रही है? तेरी हो रही है। शादी हो रही है तो दादी, बड़ी माँ, बड़े पापा, उनको बताना है, इन्फॉर्म करना है यार। तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं फोन करके बता दूंगा उनको। कैसी बातें कर रहा है यार? अभी को लेकर साथ जाएगा ना?
कुंडली मैच करनी होगी, मुहूर्त निकलवाना होगा, इतने सारे काम होते हैं, शादी है भैया, जो भी काम होगा वो मेरे को मुंबई में नहीं करना है, मैं यहाँ पे करूंगा। तू पागल हो गया है क्या? क्या भैया, आपको जो समझना है समझो, कि उधर को ओबरॉय मैंशन में कोई फंक्शन नहीं होगा, जो होगा यहाँ पे होगा। अच्छा रुद्र सुन, मेरी बात सुन, तूने एक बार भी जानवी आंटी के बारे में सोचा? कितने अरमान होंगे उनके, और तेज अंकल कितने सपने सजाए होंगे उन्होंने तेरी शादी को लेके। अभी तक अपनी शादी के सपने देख रहे हैं। अब मानता हूँ कि मॉम के अरमान है, पर शादी मेरी है भैया, मेरी भी कुछ खुशी और मेरी खुशी आपके साथ है। रूडी, जहाँ परिवार होता है वहीं सब कुछ होता है, ओके? इसलिए तेरी शादी भी वहीं होगी। मेरी फैमिली आप और होम और घर उनका क्या? ओम गौरी, गौरी क्या हो गया, क्यों रो रही है, बता। मिस्टर ओबरॉय ने ऐसी हरकत की है ना, बताने में भी शर्म आ रही है। क्या किया ऐसा बड़े पापा ने? याद कर दिया। पापा जी ने हमारा श्राद्ध कर दिया। गौरी, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो, और जो मर जाता है ना उसका श्राद्ध किया जाता है। मैं तुम्हारा श्राद्ध करूंगा। और हमसे कहा कि हम नाम की बहू है, अब से ना ओंकार जी की पत्नी। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम वहां कैसे रुकते शिवाय? इसलिए हम तेरे पास आए। तूने बिल्कुल सही किया। I can't believe कि बड़े पापा ऐसा भी कर सकते हैं। चारी दादी, तू तो ये सब देखी तुम टूट गई होगी। मैं दादी से बात कर लेता हूँ। शिवाय, ठीक है? शिवाय? हाँ? क्या हुआ? नहीं, वो मैं फोन करके आता हूँ। मैं आ रहा हूँ।